शनिवार नूं दिल्ली दे जहांगीरपुरी हिंसा मामले च कई वड्डे खुलासे होए ने। पुलिस मुताबक हिंसा दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। इस फायरिंग दौरान दिल्ली पुलिस दा एक सब इंस्पेक्टर भी जख्मी होया। हिंसा दौरान सामने आईया तस्वीरां च खुलासा होया है कि ये गोली अंसार नां दे शख्स ने चलाई सी, जिस नूं गिरफ्तार करके पुलिस ने उस तों पिस्तौल भी बरामद कर लिया। फिलहाल मामले च होर कौन कौन शामिल है इसकी भी हर पहलू तों जांच हो रही है। एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। हाँ, एक बात अंसार एक बात, और दूसरी चीज चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी, और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ही कर रही है। हालांकि जांच के लिए 10 वख-वख टीमां बनाई गई हैं। पुलिस वल्लों दर्ज की एफआईआर मुताबिक शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी जामा मस्जिद पहुंची। अंसार नां दा शख्स 4-5 लोगों के नाल पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा च शामिल लोगों नाल बहस की, झगड़ा वध्या अते फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा नूं काबू करन दे लई 40-50 हंजू गैस दे गोले छड्डे गए। भीड़ वल्लों फायरिंग भी हुई। गोली लगन कारण सब इंस्पेक्टर मीन लाल जख्मी होया। इस हिंसा दौरान कुल 9 लोग जख्मी हुए ने। जुलूस निकल रहे थे तो जब सी ब्लॉक में पहुंचे मस्जिद के सामने, तो वहां उनकी पहले बहस हुई, क्योंकि जो हनुमान जुलूस में थे हनुमान जयंती में, तो उनके आपस में बहस शुरू हो गई। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो वहाँ पता नहीं कि उनकी क्या बहस हुई, मैं पीछे की साइड था। बाद में आ गया है तो उनका जैसे ही भीड़ बढ़ती गई फिर पथराव शुरू हो गया, उनका झगड़ा शुरू हो गया। बाद में फिर उनको समझा दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। वहाँ ज़्यादा इतना ज़्यादा हुआ नहीं था पहले शुरू में, फिर बाद में फिर हम कुशल चौक तक आ गए और जो प्रोसेस वाले वो उनको जी ब्लॉक कर दिए, उनको वहीं रोक दिया था सी ब्लॉक में ही, बीच में वहाँ पुलिस बीच में खड़ी थी दोनों के, तो जो सी ब्लॉक से फिर बाद में फिर कोई पब्लिक वाले आए थे तलवार ले, 8-10 राउंड हो गए। 8-10 राउंड गोली चली सी ब्लॉक से ही चली थी सारी गोलियाँ? हाँ, सी ब्लॉक साइड से ही आई थी, ऐसे ही सी ब्लॉक साइड की तरफ ही मुँह करके खड़ा था। हाँ, तो इसमें जब जैसे आई हाँ, तो वो इधर से जैसे गोली आई जिस डायरेक्शन से, तो वो उसी समय पता लग गया था कि गोली लग गई, फिर मैं हॉस्पिटल चले गए पीसीआर। शनिवार नूं हुई इस हिंसा दौरान कई वाहनों की भनतोड़ हुई ते कई वाहन आग की भेंट भी चढ़े। उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली हैं, परेशान करने वाली खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि आज की जब सुबह होती है और वो जब हालात यहाँ के देखते हैं, अपनी चीजें देखते हैं, तो उन लोगों की आंखों में वाकई ही नमी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और ऐसी ही एक तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। संजय तिवारी जी से हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी, उनका घर जहाँ मैं खड़ी हूँ इससे तकरीबन 100 से 200 मीटर पहले था, लेकिन जब हम आगे पहुंचे और बाकी हालात देखने की कोशिश की तो आप इस गाड़ी की हालत भी देख ली। यहाँ के लोग बताते हैं कि कल इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया और इसके भी शीशे जो हैं वो तोड़े गए। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा खराब स्थिति कल दंगे के वक्त, हिंसा के वक्त यहाँ पर हो गई थी, और इस वक्त क्या स्थिति है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि यहाँ पर इस वक्त पुलिस का जो अमला है वो मौजूद है मौके पर, जिस वजह से अभी फिलहाल जो स्थिति है वो तो काबू में है, लेकिन लगातार लोगों से अपील की जा रही है यहाँ पर कि अपने घर में रहिए, गलियों में रहिए। इसीलिए जिन लोगों का लिए घर से निकलना जरूरी नहीं है, फिलहाल उन लोगों को घर में रहने के लिए ही कहा जा रहा है। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। चाहे कोई बड़ा रास्ता हो या इस तरह से छोटी तंग गलियां हो, सभी के बाहर इस तरह से जो पुलिस फोर्स है, जो बाकी अन्य फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं। हिंसा दौरान उत्थे मौजूद लोग उस मंजर नु याद करके अजे तक डरे सहमे हुए ने। ये सुशांत थे मेरे में, इधर से सारे आ रहे थे, सारे हाथ में चाकू तलवार बंदूक ऐसे चमका रहे, सबको दुकान मकान सब शटर बड़ा बंद कर दो, नहीं करोगे तो सारे सबको मारूंगा, घुस घुस के मारूंगा। तो सारे डर के मरके बन गए थे, दुकान मकान सारे बंद कर दिए, हम क्या करें, हम कुछ करने वाले हम थे। इस वक्त की बात है, ये कम से कम 2 बजे थे, मतलब दिन के 2 बजे ऐसे हुए थे। 2 बजे यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जी, उनके पास क्या क्या हथियार? चाकू तलवार बंदूक सारे ऐसे दुकान बंद करवा रहे, मार्केट से आ रहे थे, सारे मार्केट भी बंद करवा दिया था। ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, हम पूरा मार्केट वालों को मार रहे हैं, डंडा बरसात कर रहे हैं, वहाँ से बियर के बोतल बंदे से आधा उधर से आ रहे, पब्लिक आ रहे मारने आ रहे, हम कुछ करने वाले। और पता नहीं इस बार क्या हुआ, हमें क्या क्या बताएं, क्या हुआ, यहाँ तो एकदम पब्लिक आई, यहाँ तो एकदम हमें तो झगड़ा झगड़ा झगड़ा, हमें तो अपना दुकान के अंदर बंद हो गया। हम तो यहीं थे दुकान, हाँ हम तो दुकान के अंदर शटर गिरा लिया, बंद हो गया, बाकी लूट पाट चालू हो गया।
लूटपाट हो रही। दिल्ली च हुई इस हिंसा की नखेधी करदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों नूं शांति बना के रखने की अपील की है। शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर जरूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। आम आदमी पार्टी हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस की ढिली कारगुजारी नूं जिम्मेवार ठहरा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि पुलिस ते केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका पूरी गंभीरता नाल निभाई। जो जो इलाके सेंसिटिव इलाके हैं उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हों, इसके लिए पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने चाहिए। इस तरीके के समय में ऐसी घटनाएं ना हों इसके लिए पहले से इंतजाम पुलिस को करके रखने चाहिए। ड्रोन आदि से इस तरीके के प्रोसेशंस की निगरानी रखनी चाहिए ताकि ये समझ में आए कहाँ पे गड़बड़ी है, कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो एक इलाके की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। शॉकिंग है सारा मामला, तकलीफ देह है। जो भी शख्स अमन पसंद है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, और ये साजिशें हैं, इंटरनेशनल साजिशें हैं। मेरी यही बेनती है कि आपसी भाईचारा बनाए रखो, अमन और पीस बनाए रखो। और शुक्र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ तक कि गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह साहेब तो सारी रात जागते रहे, मिनट टू मिनट खबर लेते रहे, और हमारी फोर्सेज जैसे दिल्ली पुलिस है उन्होंने इन टाइम आके कंट्रोल कर लिया। शुक्र जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस शुरुआती जांच दौरान हुण तक 14 तो वध लोकां नूं गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हां च फायरिंग करन वाला अंसार नां दा शख्स भी शामिल है। फिलहाल इलाके च शांति है, पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। जहांगीरपुरी सने पूरी दिल्ली च सुरक्षा वधा दित्ती गई है, पुलिस दे नाल नाल सुरक्षा दस्ते भी तैनात किए गए ने।